कोरोना वायरस की मार होली के बाजार पर पड़ी है। लोग कोरोना वायरस के डर से चिकन खाने से भी अब परहेज कर रहे हैं। होलसेल मार्केट में चिकन 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। मौके पर कोरोना वायरस की अफवाह ने खास तौर पे चिकन ब्रॉयलर मार्केट को खासा प्रभावित किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा मुर्गी फार्म है, होलसेल दुकान है जो खाली पड़ी हुई है। कुछ मुर्गियां जरूर नजर आ रही हैं जो इतनी सस्ती हो गई हैं कि शायद आपने सुना भी नहीं होगा, 30 से 35 रुपए किलो बिक रही हैं मुर्गियां। यानी मुर्गियों की कीमत में सीधे 60 से 70% तक की कटौती हो गई है। कैसे किलो आप बेच रहे हैं और कब से बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? एक महीना पीछे से बेच रहे हैं, 35 रुपए के जी। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले भाई 80, 90, 80, 90, 100। डेढ़ महीने पहले जिस चिकन की कीमत होलसेल मार्केट में 100 रुपए किलो हुआ करती थी, आज वही चिकन बाजार में 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। होली का मौका है और आप देख सकते हैं कि चिकन होलसेल मार्केट किस हाल में है। पूरा का पूरा फॉर्म खाली पड़ा है। खराब हाल चल रहा है। जो हम लोग का मुर्गी एक एक दुकानदार 100-100 क्विंटल बेचता था, 20 क्विंटल 25 क्विंटल बेचने के लिए भारी पड़ रहा है। मार्केट में भी रेट कम है, प्लस जो वायरल हो जाता है वीडियो, उससे भी काफी इफेक्ट हुआ है। जो वीडियो वायरल हो जाता है ना आजकल, तो सोशल मीडिया का जमाना है। हालांकि किसी भी एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि चिकन खाने से या अंडा खाने से कोरोना वायरस फैलता है। लोगों ने चिकन खाना कम कर दिया है, इसका सीधा असर चिकन पोल्ट्री ट्रेड पर पड़ रहा है। चिकन चूजे का कारोबार करने वाले हो, उसे कुटीर उद्योग के तौर पर घर में पालने वाले हो, या फिर चिकन का दाना बेचने वाले हो, सभी परेशान हाल हैं। किसी की पूंजी बाजार से लौटती दिखाई नहीं दे रही। एक चिकन की लागत जो है वो 1 से 1.5 किलो के लिए तकरीबन 90 से 92 रुपया की लागत आती है, ठीक है। इसलिए कि सोया भी यहाँ महंगा है, मकई भी महंगा है, और ये चूजा जो अभी फिलहाल आया हुआ है वो 30 से 32 रुपए का है, ठीक है। तो एक चिकन के लिए कम से कम 90 से 95 रुपए का लागत इसमें हुआ। कुछ दिनों पहले पोल्ट्री का व्यवसाय करने वाली एक संस्था ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सरकारी प्रचार प्रसार में ये बात कही जाएगी कि चिकन और अंडा खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता, मगर इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। और होली जैसे मौके पर जब अच्छा व्यवसाय होता था, सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बात इस बात का है कि सरकारी स्तर से इस तरह का प्रचार किया जाए कि कोरोना वायरस का चिकन और पोल्ट्री से कोई संबंध नहीं है, मटन से कोई संबंध नहीं है, अंडे के खाने से कोई संबंध नहीं है। और यही कोशिश हमारी भी है कि सस्ता है तो इसका भी लाभ उठाएं, आराम से चिकन खाएं, खिलाएं और होली मनाएं। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।